आज भक्ति प्रकाश में शबरी का प्रसंग लिया है। मतंग ऋषि की शिष्य है शबरी, नीच जाति की है, काली है, स्वामी जी महाराज ने लिखा। जाति अच्छी नहीं, सूरत अच्छी नहीं, मानो शक्ल अच्छी नहीं, नथिंग इज अट्रैक्टिव। लेकिन परमात्मा इन बातों को कहां देखते हैं, ये तो भाव के भूखे हैं, भक्ति के ये भूखे हैं। रामायण जी में दो नारियां देवी सचो बिन बुलाई जिनके पास प्रभु गए हैं, एक अहिल्या और दूसरी शबरी। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों में निष्ठा एवं धैर्य का प्राबल्य। दोनों की गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, भक्ति के प्रति इतनी निष्ठा है, प्रीति के प्रति इतनी निष्ठा है, और फिर धैर्य तो असीम है। अहिल्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आश्रम में रह के ऋषि पत्नी होके एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। संत महात्मा कहते हैं उसने जो निष्ठापूर्वक धैर्यपूर्वक पश्चाताप करके तो प्रायश्चित किया, तब भगवान कहां देखते हैं कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। जहां निष्ठा का धैर्य का प्राबल्य हो जाया करता है, वहां कोई ना कोई संत महात्मा परमात्मा भेज देते हैं जो उनका केस परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर दे, उन्हें परमात्मा के सामने पेश कर दे। दोनों के साथ ऐसा ही हुआ है। अहल्या के लिए महर्षि विश्वामित्र को भेजा और मां शबरी के लिए तो उनके गुरु महाराज ही उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। शबरी बिटिया मैं तो बिना राम दर्शन जा रहा हूं, नाम दान दिया था, राम नाम दिया था, राम राम जपती थी। प्रतीक्षा करना, गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रतीक्षा करना शबरी, मैं बेशक बिना राम दर्शन जा रहा हूं, तुझे प्रभु राम इस कुटिया में आके दर्शन देंगे, राह देखना। ये शब्द गुरु महाराज के शबरी ने पल्ले बांध लिए। उसने हमारी तरह प्रतीक्षा नहीं की, नहीं आए तो द्वार बंद कर दिया, ना आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं कभी उठा शबरी के दिलो दिमाग में। मेरे गुरु महाराज ने कहा है शबरी प्रभु इसी कुटिया में आएंगे तो आएंगे, कभी द्वार बंद नहीं किया, किस वक्त आ जाएं ऐसा तो गुरु महाराज ने नहीं कहा, कब आ जाएं ऐसा तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। मानो जब तक मेरा जीवन है उससे पहले पहले ही आएंगे और मुझे हर वक्त प्रतीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। न जाने दिन में कितनी बार सफाइयां करती है, कितनी बार रास्ते के फूल बिछाती है, कितनी बार जंगल जाके फल लाती है, फ्रेश बासी में नहीं दूंगी, ताजी बेर इत्यादि जो कुछ भी कंदमूल जो कुछ भी वह डालती थी ताजे ला के रखती थी, चक चक के रखती थी। कहते हैं शबरी को हर पेड़ का पता लग गया हुआ था, किसके ज्यादा मीठे हैं किसके कम मीठे हैं, इतना अभ्यास इतनी प्रतीक्षा उसने करी है। हम तो प्रतीक्षा करते हैं तो जब होता है कि आज तो नहीं आने वाले तो हम द्वार बंद कर देते हैं। शबरी की प्रतीक्षा ऐसी नहीं थी, उसने कभी द्वार बंद नहीं किया। उसकी प्रतीक्षा में सत्य था, उसकी प्रतीक्षा वास्तविक प्रतीक्षा
भले ही साधु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं हमारी साधना में और शबरी की साधना में बहुत साम्य है, बहुत सिमिलरिटी है। हम भी राम राम जपते हैं और अगला काम जो करेगा वह बाजी मार जाएगा प्रतीक्षा का। ध्यान का समय ही प्रतीक्षा का समय नहीं है। शबरी ये नहीं बताती कि आप सुबह शाम ही प्रतीक्षा करें, ना। शबरी कहती है राम राम जपिए और दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा करिएगा। मैं आश्वासन देती हूं कि वह एक ना एक दिन आपका द्वार आके खटखटाएंगे। शबरी द्वार खोल, मैं आ गया हूं। निष्ठा एवं धैर्य का सातत्य होना चाहिए और प्राबल्य होना चाहिए तो ईश्वर अपनी अनुभूति, अपने मंगल दर्शन अनुभूति करवा के रहेंगे, मंगल दर्शन देख के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।